सरदार भगत सिंह जी के गांव से यहां पे किसान आए हैं और ये वहां की मिट्टी लेकर ये आए हैं, मिट्टी ये लेकर, तो ये बताएंगे और वो पूरा जो लेटर इन्होंने दिया वो वहां से चिट्ठी भी आई, वो जाकर बताएंगे और उसमें है। तो आप कब चले वहां से? सर जी, हम शहीद भगत सिंह नगर भगत सिंह के गांव से आए, कुछ निकले को 3-4 दिन हो गए। तो हमारा जो मेन आने का भाई साहब मकसद है वो ये है, इस टाइम जो जिमीदार है वो नाज के तौर पर निकल रहे हैं जी। कुछ जो गंदे लोग, जैसे लोग इधर को जा रहे हैं, चौक को इधर को घुमा दिया, आगे जाके झंडा फहरा दिया, वो जिन्होंने फहराया वो ही मोदी जी के इधर खड़ा, एक अपने सन्नी देओल जी के इधर खड़ा, तो वो प्रभाव दे दिया कि खासतर ही लोग है जी, वो उसकी वजह से आप और आपका परिवार ज़्यादा टेंशन में आया उस दिन जी। ऊपर वाले ने सुन ली, सच्चाई सामने आ गई जी। तो मतलब हम फिर गांव से, गांव वाले बुजुर्गों माताओं ने मिट्टी दे के मुझे सरोपा ले, शहीद भगत सिंह नगर ही वो गांव का नाम है, वो ही उसी का नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम है, गांव का नाम भी वही है। हाँ जी, हाँ जी, पहले तो कुछ और नाम था ना उनका, नवा शहर जी। हाँ जी, खटखड़ का। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम गांव से जी, हम इस ये पूरा दस्तावेज लाए, गांव की चिट्ठी लेकर ये लोग आए हैं। हाँ जी, वहाँ से। और ये मिट्टी, तो हमारा आने का सर मतलब भाई साहब जी, भगवान भला करे, आपके पीछे जो हम रुके हैं, परसों के दिन पूरा उधर था जी, नौजवान पूरे स्टेज में थे, तो उनको सरोपा डाला जी हम। तो फिर जो कत्ती वो प्रेजिडेंट है जी, तो वो दूसरे दिन इकट्ठे हुए जी, उनको सरोपा डाला जी, आप थे बाकी जी। तो भगवान भला करे जी, आप राजी रहो जी। तो एक गांव से ये जो मिट्टी है, एक खाली मकसद ये सरोपाओ जी, खाली 120 रुपये की मिट्टी तो मिट्टी इधर की मिट्टी है, और ये लगाने से भगवान भला करे, आपको ना तो कभी रोना पड़ेगा जी, दलेरी हौसला ऊपर वाला हमेशा बनाई रखेगा, भगत सिंह कभी कभी घबराहट होए जी, लेकिन आज तक वहाँ का इतिहास ये है, जब कभी मुझे भी घबराहट होती है तो मिट्टी हम खा लेते हैं, तो घबराहट कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जा को नेता जा को अभिनेता दिया बनता जा उसने बनना वहाँ पहले जाते हैं जी। तो आप अभी घूमो गांव में भी आना, पहले फोन कर देना जी। नहीं नहीं, आएंगे आएंगे पंजाब में। हाँ जी, हाँ जी, और तो हमारे जो बुजुर्ग है जी वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद हमारा आपके साथ। नहीं नहीं, हाँ जी, बस ये जो किसानों का मुद्दा जी, इसको आप अभी बहुत अच्छे ढंग से उठा रहे हैं। एक, हाँ जी, माफ करना मुझे, एक गांव की तरफ से जो सबसे बड़ा संदेश है जी, वो ये है जी, जैसे अभी इधर स्टेज के ऊपर कुछ लोग बोलते हैं जी, इसी स्टेज के ऊपर उधर तो कम है, तो कि मोदी जी को वोटों में अकल देंगे, मोदी जी को वोट में अकल तो अभी 3.5 साल में आएगी, उससे बेनती यही करो कि अभी ये मुद्दा पहले हल हो जाए, 3.5 साल बाद तो आपकी वैसे देश में गड़बड़ होगी। नहीं नहीं, चलो वो तो आंदोलन से देंगे। हाँ जी, हाँ जी, आंदोलन से देंगे, आंदोलन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे वो बातचीत के लिए आपको निंदा दे रहे जी, तो आप थोड़ा आगे बढ़ो जी, करेंगे वो कमेटी तय करेगी सारी चीज, थोड़ा आप जो है ना जी, आप देश की जो आपकी कमेटी है वो सबसे बड़ी है, आप सबसे बड़े प्रदेश में बैठे हैं, तो जितने जैसे पूरे देश के जिम्मेदार है जी, उतने जिम्मेदार खाली आपके स्टेट में है, नहीं नहीं सब दूसरा जहाँ पास में है जी। तो जो कत्ती बुजुर्ग नेता जी, जैसे वो बोल रहे थे, मैं उधर भी टीवी चैनल वालों को बोला कि जैसे रवनीत बिट्टू जी मेंबर पार्लियामेंट हमारे पंजाब से आए, उनको थर्ड भाषा बोली, तो हम गए कत्ती प्रेजिडेंट इकट्ठे हो गए बेचारे दूसरे दिन ही, और मैंने 2 मिनट मांगे और 1.5 घंटा मैं स्टेज पे खड़ा, मुझे कुछ नहीं बोला, मैं यही बात जो आपको बोली मैं उनको भी बोली, मुझे डर था कि मुझे वो थर्ड भाषा बोल लेंगे, लेकिन वो सारे खुश हुए, वो तो बोलते हैं मुझे हौसला हुआ ये बात, आप जिस जगह से आए हैं तो पूरा हौसला है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो बिट्टू जी बोले वो उसको बोलना भी ठीक था जिम्मेदारों का, क्यों कि ये जो मतलब
ये बिल है, इसकी जो नींव वो भी तो कांग्रेस ने रखी थी, भाजपा ने उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी। तो अभी आप इस बिल्डिंग को तहस नहस करके होगी तहस नहस हो सकता है। तो आप धन्यवाद, गांव को संदेश क्या देना चाहते हैं? गांव का संदेश यही है कि आप आए हो, आपका धन्यवाद है। और एक गांव से वहां से आए जो क्रांतिकारी गांव हमारा है, जिसको आदर्श है, जिसको पूजते हैं हम, पूजनी है ये गांव की मिट्टी, पूजनी है इस गांव की मिट्टी को हम यहां पर रख देंगे। इसमें अब अपने गांव की मिट्टी जो लोग लेकर आएंगे उसको मिलाएंगे और इसको अपने गांव में ले जाएंगे, अपने खेतों में लगेंगे, तो पूरे क्रांतिकारी गांव हो जाएंगे हमारे। एक छोटा सा बुजुर्गों का बाबा संदेश है कि आप अपनी कमेटी में जैसे ये आपका ही बच्चा है, ऐसे और कुछ जो बात करने वाले बच्चे हो जरूर साथ बनाओ जी। तो के उन नौजवानों की आपको जहाँ आपकी बात कोई कच्ची होगी इस साथ आपको सब साथ में है, सब नौजवान सब साथ में, आपके साथ में आप भी रखो साथ में, साथ में है सब लोग साथ में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, किसान एकता जिंदाबाद, परिवार जिंदाबाद। अभी हम यहाँ पे किसान क्रांति गेट गाजीपुर पे है और रुद्रपुर में पंचायत थी आज, उसको करके वहाँ से चले और रात में यहाँ पर आए, सब लोग उसे मिले क्योंकि बाहर के लोग बहुत यहाँ पे आ रहे थे मिलने वाले। अभी इनसे सब लोग उसे मिल के हम लोग अब लेट जाएंगे फिर रात को, और सुबह 5 बजे फिर उठ के राजस्थान का कल भी एक प्रोग्राम है, फिर परसों का भी प्रोग्राम है, राजस्थान के 2 बड़े प्रोग्राम हैं। और इसी तरह से यहाँ पर लोग आते रहेंगे, उनसे मिलते रहेंगे। रात को सफ़र करते हैं 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के, दिन में मीटिंग करते हैं फिर रात को सफ़र करते हैं, दिन में मीटिंग करते हैं। तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा और 24 मार्च तक ये कंटिन्यू प्रोग्राम अभी लगे हुए हैं। तो सब लोग आप अपना प्रोग्राम करते रहें, उस पर ध्यान देते रहें। और बड़ी बड़ी सभाएँ हो रही हैं पूर्ण रूप से, जब तक भारत सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, MSP पे कानून नहीं बनाएगी, किसानों के फसलों के रेट नहीं देगी, बिजली का गन्ने का भुगतान नहीं करेगी, आलू के किसानों को जो समस्या आई है, अभी 1 महीना पहले आलू 40 रुपया किलो, आज किसान का आ गया तो आज 5 रुपये 3 रुपये किलो, तो ये अत्याचार है, इसी के खिलाफ ये जंग है। तो आप निश्चित होकर हमें अपने धरनों पर आप ध्यान देते रहें, यह आंदोलन जारी रहेगा।